हेलो एवरीवन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज फ्राइड राइस की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी होगी और रेस्टोरेंट में चूँकि ये बहुत हाई फ्लेम पर बनता है और घर में हमारा जो फ्लेम होता उतना है उतना हाई नहीं रहता है इसलिए हमें सेम टेस्ट नहीं मिलता बट आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगी इस तरीके को अगर आपने फॉलो किया तो आपके भी फ्राइड राइस बिल्कुल यूनिक और एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनेगी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी तो वीडियो को कम्प्लीट देखें ताकि आपकी भी कोई भी पॉइंट ना छूटे और आपके फ्राइड राइस काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो तो चलिए हम फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने सबसे पहले राइस लिया है जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका राइस होगा उतने अच्छे फ्राइड राइस आपके बन के तैयार होंगे तो ये मैंने 250 ग्राम बासमती राइस लिया और इसे एक घंटे के लिए भिगो लिया है एक कढ़ाई में हम पानी ले लेंगे और इसमें अच्छा हम उबाल आने देंगे इसके बाद हम राइस को ऐड करेंगे साथ में हम इसमें एक चम्मच नमक डाल लेंगे एक टी और पानी में अच्छा बॉईल आ गया है तो अब हम इसमें राइस को डाल देते हैं और इन्हें जो हमें कुक करना है वो इस तरीके से कुक करना है जैसे हम अपने चावलों को पकाते हैं तो हम सबको अच्छे से डाल देंगे और एक बार इसे हम चला लेते हैं ताकि ये जो चावल है ये तले में चिपके नहीं फ्राइड राइस बनाने के लिए चावलों पे खास ध्यान देना ज़रूरी है चावल हमारा ओवर कुक नहीं हो अंडर कुक नहीं रहे बिल्कुल परफेक्ट जैसे ही मतलब साड़ी कनी ख़त्म हो जाती है हमने इसे अच्छे से ड्रेन कर लेना है तो आप देख सकते हैं राइस कितना अच्छा लंबा सा राइस हुआ है हमारा और ये परफेक्ट कुक है तो हम इसे चावलों को अच्छे से ड्रेन कर लेते हैं ये मैंने सारे चावलों को अच्छे से पानी निकाल लिया और आप देख सकते हैं नज़दीक से ये देखिए इसका जो हमारा राइस बनेगा बहुत ही अच्छा फ्राइड राइस बनकर तैयार होगा तो इस तरीके से देख सकते हैं और ये मैंने इसे जब ये किया तो इसमें एक भी दाना नहीं है अब हमें इसे ठंडा कर लेना है कम्प्लीट कूल कर लेना है तो आप इसे थोड़ी देर इसका भाप निकलने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं दूसरा पैन हमने ले लिया है और पैन को एकदम अच्छा गर्म करना है आपको ताकि पैन में से धुआं निकले इस तरीके से आपने गर्म करना है और बिल्कुल हम इसमें ऑयल डालेंगे रिफ़ाइंड ऑयल मैंने डाला और इन्हें हमें अच्छे से चारों तरफ से फैला लेना है ये लगभग तीन से चार चम्मच के लगभग मैंने इसमें ऑयल डाला है और ऑयल को भी हम एकदम अच्छा गर्म होने देते हैं बिल्कुल क्योंकि चाइनीज़ आइटम है और ये एकदम हाई फ्लेम पे बनता है तो हम घर में जितना हाई फ्लेम दे सकते हैं उतना हाई फ्लेम आपको ज़रूर देना है अब हम इसमें सात आठ जवे जो है लहसुन की कलियां इन्हें मैंने बारीक सा चॉप किया हुआ है तो ये हम डालेंगे अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बग़ैर भी काफ़ी अच्छे फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाएंगे इन्हें हम डाल देंगे और इन्हें हल्का सा चला देंगे लहसुन जलना नहीं चाहिए बस इसे हमें एक बार चला देना है और जस्ट उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ों को ऐड करेंगे ये मैंने गाजर लिया है कैरेट और इन्हें भी बारीक सा कट कर लिया है और आप चाहे तो जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं और जो नहीं अवेलेबल है या नहीं पसंद करते उन्हें स्किप कर सकते हैं बट कैरेट का भी जो स्वाद आता है गाजर का बहुत ही अच्छा आता है ये मैंने फ्रेश बीन लिया है इसे भी हमने बारीक से कट किया हुआ है तो इसे भी हम डाल देंगे आप चाहें तो शिमला मिर्च वग़ैरह भी ऐड कर सकते हैं वो भी डाला जा सकता है बट मैंने सिर्फ़ इन दो ही वेजिटेबल्स को लिया है और इन्हें हमें अच्छे से रोस्ट करना है थोड़ी देर चलाना है ताकि जो वेजिटेबल्स का कच्चापन है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और जो वेजिटेबल्स है ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो ये दो से तीन मिनट मैंने इन्हें चलाया है और अब हम इसमें राइस को डाल देंगे इस तरीके से इन्हें हम अच्छे से चलाते हैं बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही आपको करना है फ्लेम बिल्कुल भी कम नहीं करना है और इन्हें हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं साथ ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे तो ये मैंने दो से तीन चम्मच सोया सॉस लिया है सोया सॉस आप अपने पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो एक दो चम्मच ज़्यादा भी डाल सकते हैं चौथाई चम्मच हमने पेपर पाउडर लिया है इसे भी डालेंगे और इन्हें हमें अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनते हुए पाँच से सात मिनटों तक पकाना है और नमक आपको अपनी स्वाद अनुसार आपको एडजस्ट करना है क्योंकि हमने जिस समय चावलों को बॉइल किया था तो नमक डालकर बॉईल किया था तो फिर भी आप इसे चेक कर ले अगर आपको नमक और चाहिए होगा तो आप इसे डाल दे फ्राइड राइस हमारा बंद कर तैयार हो गया तो हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और एक लास्ट काम जो हमारा रह गया उसे हमें करना है ये मैंने दो तीन कोयले लिए हैं और इन्हें हमने आग पे डाल दिया है और यही वो तरीका है ट्रिक है जिसे जब आप करेंगे तो आपका जो फ्राइड राइस है इसका स्वाद एकदम रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है हमने उतना हाई फ्लेम इस पर नहीं दे सकते हैं तो आपको दो तीन मिनट के लिए कोयले का चारकुल का फ्लेवर हम इसमें देंगे और ये मैंने देख सकते बीच में जगह बनाया है इसमें हम एक कटोरी प्लेस कर देते हैं इस तरीके से और या यहाँ पे जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो फ्राइड राइस है इसका फ़्लेवर एकदम से कंप्लीट चेंज हो जाएगा और इसमें हम बटर या ऑयल डालेंगे तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालकर इसे हम ढक देते हैं ताकि ये जो सारा अरोमा है फ्लेवर जो है वो इसमें हमारे चावलों में अच्छे से आ जाए और ये जो हमारा चारकोल था इसका पूरा धुआं ख़त्म हो गया है तो इसने अपना सारा अरोमा राइस में डाल दिया है और ये जो राइस है अब एग्जैक्टली exactly ये बिल्कुल परफेक्ट डन हो गया है एकदम अच्छा फ्राइड राइस हमारा एग्जैक्टली exactly तैयार हो गया है फ्राइड राइस बनाते समय सिर्फ़ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जैसे कि एक साथ ही बहुत सारे राइस को आपको फ्राई नहीं करना है अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखा है तो 200-250 ग्राम राइस जब आप फ्राई कर लिया करें तो फिर उसमें आपको एक बार चारकोल का फ्लेवर दे देना है ताकि सारे राइस में एक साथ आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर नहीं मिलेगा बट जब आप थोड़े थोड़े में आप फ्लेवर डालेंगे तो आपका जो सारा राइस है वो एक साथ आपका फ्लेवर वाला मिलेगा तो आप एक पैन में बनाया करें और फिर उसे दूसरे भी किसी बर्तन में आप उसे शिफ्ट कर दें आपने कई तरीकों से फ्राइड राइस बनाया होगा तो एक बार इस रेसिपी को इस तरीके को भी जरूर ट्राई करके देखें साथ ही रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपने कमेंट भी जरूर भेजें थैंक यू फॉर वॉचिंग